एसेंस देके उसको हम तैयार करते हैं। अच्छा, तो एक साल आप जो जमीन में गाड़ के रखते हैं वो मतलब किस में रखते हैं? एक मटके की हंडी में? मिट्टी का हंडी है, अच्छा उसी में रखते हैं। तो दिखा दो। अच्छा, वो आप दिखा सकते हैं क्या? हाँ, हम दिखा सकते हैं। और ये तेल टोटल हेयर कंट्रोल थेरापी है, जैसे कि आपको 2 दिन में हेयर फॉल स्टॉप कर देता है, आपका नया हेयर निकल रहा है विदिन 15 डेज में शुरू हो जाता है। जैसे अगर आपका हेयर रूट्स जिंदा है प्लस आपका हेयर जो पक रहा है, कम उम्र से जिसका पक रहा है वो स्टॉप कर देता है, पकना नहीं देता है। जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट लोग करा रहे हैं लाखों लाखों खर्च करके, अगर हम ये यूज करते हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि शायद हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। नहीं, जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा होता है हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, एक बाल लगाने का 1500-2000 डॉक्टर लोग बोलते हैं। तो ये जो हेयर ऑयल है ये अगर हम यूज करते हैं तो मतलब हेयर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है। और इसको कौन से उम्र से लोग यूज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए थोड़ा ओल्ड एज हो गए है, अराउंड 40-45, तो वो यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और उनको 70-60 फायदा देगा? हाँ, फायदा देगा। कितना परसेंट लगभग फिर भी आपके हिसाब से? ये पूरा अभी जो उम्र है, हाँ, ये तो पूरा 99% काम कर रहा है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज खाबियत है कि ओल्ड एज में भी ये काम कर रहा है, जिसमें बाल पकने ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप करवाने जाते हैं तो 35 के बाद वो लोग डिनाई करते हैं, जैसे डॉक्टर्स मना करते हैं कि 35 इयर्स ओल्ड होने के बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे क्योंकि वो सक्सेसफुल होने का चांसेस।